हेलो दोस्तों, मेरे भोजनशाला में मैं इंदु भावसार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी से हलवाई जैसी खस्ता, रस भरी और रसीली बालूशाही की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। तो आइए बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। तो हलवाई जैसे बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल में 2 कप मैदा डाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक डाल देते हैं। सारे सूखी सामग्री को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। इस मिठाई में 1 चुटकी नमक डालने से इस मिठाई का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच दही। दही डालने के बाद में अब बारी आती है इसमें मोयन डालने की। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप देसी घी लिया है। घी की जगह आप डालडा या तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मोयन इसलिए डाला जाता है कि ये मिठाई खस्ता बने। किसी भी मिठाई को बनाने में अगर आप मोन परफेक्ट डालते हैं तो मिठाई बहुत ही खस्ता बनकर के तैयार होती है। तो 2 कप मैदे में 1/2 कप घी परफेक्ट होता है। तो आप भी इस मिठाई को बनाने में घी डालने की कंजूसी बिल्कुल ना करें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका नरम मुलायम डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं उस तरह से इसे हमें नहीं गूंथना है। इसमें हमें बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और हाथों से सारी चीज़ों को समेटते जाना है। बालूशाही का आटा सॉफ्ट मुलायम इसलिए लगाते हैं कि जब हम बालूशाही को फ्राई करें तो वो बहुत ही अच्छे से फूल करके आए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसका इस तरह से मुलायम आटा लगाया है। अब हम इस आटे को 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। आटा रेस्ट करता है तब तक के हम चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हम 2 कप चीनी डाल देते हैं और इसी के साथ हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं। और अब हम चीनी को मीडियम आंच पर पिघलने देते हैं। तो शुगर सिरप हमारा साफ रहे इसलिए हम इसमें 1 चम्मच दूध डाल देते हैं और इसे मिला लेते हैं। दूध डालने से चीनी का सारा मेल कढ़ाई के किनारों पर आ गया है। तो इसे हम चम्मच से इस तरह से निकाल देते हैं। और ये देखिए, अब हमारी चाशनी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। और अब मैं बालूशाही को फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल रही हूँ 10 से 12 धागे केसर के और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। केसर के धागे मैंने फ्लेवर के लिए डाले हैं। अगर आपके पास केसर हो तो डालें और ना हो तो ना डालें। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो नींबू का रस डालने से चाशनी गाढ़ी नहीं हो पाती है, बालूशाही के ऊपर चाशनी जमती नहीं है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच ऑरेंज फ्रूट कलर और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब हमारी चाशनी को पकते हुए 5 से 6 मिनट पूरे हो चुके हैं। चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। तो इस चाशनी को हमें तार वाला नहीं बनाना है। इसे केवल हमें इतना पकाना है कि जब हम इसे इस तरह से चिपकाएं उंगली और अंगूठे के बीच में तो इसमें हल्की सी चिपचिपाहट सी महसूस हो। तो ये हमारी चाशनी बन करके तैयार है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इस चाशनी को हम नीचे उतार करके ढक करके रख देते हैं। तो अब हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। मैदा हमारा सेट हो चुका है। मैदे को हम साफ सरफेस पर रख करके और इसे हाथों से इस तरह से फैलाएंगे। इसे फैलाने के बाद में अब हम इसे चाकू से 4 टुकड़ों में कट कर लेते हैं। और अब हम इन टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख करके और फिर से हाथों से दबा करके फैला लेते हैं। इसे हमें बेलना नहीं है, इसे बस हमें हाथों से इसी तरह से दबा करके फैलाना है। और अब हम इसे चाकू से फिर से कट कर लेते हैं। इन टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख करके फिर से फैला लेते हैं। तो इस तरह से हमें 4 से 5 बार करना होता है। इसी से ही हमारी बालूशाही में बहुत ही अच्छी लेयर बनती है। जिस तरह से हलवाई लोग बालूशाही बनाते हैं उसी तरह की बालूशाही बन करके तैयार होती है। और अब मैं यहाँ पर इसे चौथी बार कट कर रही हूँ।
इसे कट करने के बाद में अब हम इसे फिर से थोड़ा सा फैला लेते हैं और फिर से हम इसे बीच में से कट कर लेते हैं। और अब हम इसे हल्के हाथों से इकट्ठा करते हुए इसका एक रोल बना लेते हैं। और अब हम इस रोल को छोटे पीस में कट कर लेते हैं। और अब हम एक पीस लेकर के इसको हल्के हाथों से गोल करते हुए इसको पेड़े का आकार दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस पेड़े के बीच सेंटर में एक छोटा होल बना देते हैं। इस तरह से करने से बालूशाही चारों ओर से अच्छी तरह से सिक जाती है। और जब हम इसे चाशनी में डालते हैं तो इसमें चाशनी भी अच्छे से चली जाती है। तो इसी तरह से हम सारी बालूशाही बना करके तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे आटे की बालूशाही बना करके तैयार कर ली है। तो अब हम बालूशाही को फ्राई कर लेते हैं। बालूशाही को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में घी को गरम किया है। आप चाहे तो बालूशाही को तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो घी या तेल आप जो भी डालें बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म घी में बालूशाही को फ्राई नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर घी में थोड़ा सा आटा डाला हुआ था। आटा बिल्कुल धीरे धीरे उठ कर के ऊपर आया है। तो इसी तरह से हमें बालूशाही को फ्राई करने के लिए घी को गर्म करना है। अब हम इसमें एक एक करके बालूशाही को डाल देते हैं। गैस की आंच को बिल्कुल लो रखना है। और अगर आप बालूशाही को हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो बालूशाही ऊपर से तो आपको सिकती नज़र आएगी, लेकिन फिर ये अंदर से कच्ची रह सकती है। और अब हम बालूशाही को 5 से 6 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं और इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे सिकने देते हैं। तो बालूशाही को सिकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। बालूशाही हमारी घी से ऊपर आ चुकी है। तो इसे हम एक एक करके पलट देते हैं। बालूशाही को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने सभी को पलट दिया है। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर सिकने देते हैं। और ये देखिए इसे सिकते हुए पूरे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। बालूशाही हमारी दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है और इसमें बहुत ही अच्छे से क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी बालूशाही को निकाल लिया है। अब हम बाकी बची बालूशाही को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो इसे भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आपका घी या तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर दीजिए। वो जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए इसके बाद आप इसमें बालूशाही को फ्राई करें। तो इसी तरह से हमारी ये बालूशाही भी फ्राई हो चुकी है। इसे हम निकाल लेते हैं। और इतनी देर में हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी है तो इसे हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो अब हमारी चाशनी गर्म हो चुकी है। हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें एक एक करके बालूशाही को डाल देते हैं। और अब हम चम्मच से एक एक करके बालूशाही के ऊपर इस तरह से चाशनी डाल देते हैं ताकि चाशनी बालूशाही में अंदर तक अच्छे से चली जाए। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम बालूशाही को फिर से पलट देते हैं। इसे पलटने के बाद में अब हम इसके ऊपर फिर से एक एक चम्मच चाशनी डाल देते हैं और 2 मिनट के लिए फिर से हम इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं ताकि बालूशाही में चाशनी अंदर तक चली जाए। और ये देखिए दोस्तों, हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता और बहुत ही जूसी बालूशाही बनकर के तैयार है। बिल्कुल हलवाई की तरह हमारी बालूशाही बनी है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम बालूशाही को हलवाई जैसा लुक देने के लिए इसमें लगा देते हैं चांदी का वरक। वरक को इस तरह से सेट कर देते हैं। अगर आपके पास वरक हो तो लगा दें और नहीं हो तो आप इसकी केवल पिस्ता या बादाम से इसकी गार्निश कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़े थोड़े से पिस्ता भी लगा देते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी हलवाई जैसी बालूशाही बनकर के तैयार है।
बहुत ही खस्ता और जूसी बालूशाही बनी है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।